अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर शाद खान अफरीदी की मोदी पर शदीद तनकीद। दोस्तों, वीडियो में मज़ीद डिस्कशन करने से पहले अगर आप दोस्तों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल फ्री में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाद खान अफरीदी ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की जारहियत पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। दोस्तों, इन्होंने कहा कि कश्मीर के मुतनाज़े खित्ते में तशद्दुद और जुल्म को रोकने के लिए अक्वामे मुत्तहिदा अपना करदार अदा करे। दोस्तों, भारतीय अवाम की अक्सरियत नरेंद्र मोदी की बर्बियत की हमायत नहीं करती। दोस्तों, माया नाज आर रोंडर ने कहा कि अब वक्त आ गया कि मोदी देर पा अमन की जानब कदम बढ़ाए। दोस्तों, इस गैर इंसानी अमर को रोकना जाना चाहिए। दोस्तों, नाइंसाफी और जुल्म जबरियत को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इस मसले का जल्द हल निकाल लिया जाएगा। दोस्तों, इस मौके पर इन्होंने कश्मीर में जारी तनाज़े के हल के लिए आलमी बरादरी की तवज्जा भारतीय मुजालम की तरफ मुतवज्जा करवाई। दोस्तों, वजीर आजम इमरान खान की कोशिशों को भी सराहा। दोस्तों, क्या कश्मीर आज़ाद हो पाएगा या नहीं, हमें अपना जवाब कॉमेंट में लाजमी दें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल फ्री में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलें।